कुछ बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर आप हमेशा बच्चों की मांग हमेशा रखते थे, इस बार आप यूनिवर्सिटीज का जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे। गाइस सही बताओ तो मुझे इसके बारे में पूरी तरह से कुछ पता ही नहीं था। कल जब एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूरी तरह से सभी चीजें मुझे बताई कि सर एक बार प्लीज इसको पढ़ लो, अगर आपको सही लगे कि हम बच्चे क्यों ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं तो प्लीज आप इसके बारे में बोलना जरूर। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे जहां मुझे लगा कि हाँ यार, जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम की जो मांग कर रहे हैं। तो गाइस ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट ने ये सभी चीजें बताई हुई है, तो अगर इसमें से कोई भी पॉइंट छूट जाता जरूर कमेंट में लिख के मुझे बताना कि सर ये प्रॉब्लम और था, इसमें ये पॉइंट्स नहीं है। और इसके बाद गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि हाँ सच में बच्चे ऑनलाइन की मांग बस जो लोग सोच रहे उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा लोगों की थिंकिंग है। नहीं भाई, ऑनलाइन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया और कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अभी आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले सभी यूनिवर्सिटीज के कुलगुरु और हमारे उदय सावंत सर जी के बीच में मीटिंग हुआ, और जब उदय सावंत जी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि कुलगुरु ये बोल रहे हैं कि हम एग्जाम ऑनलाइन मोड में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आगे जाके बच्चों को जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो ये भी बोलूंगा, अगर बच्चों को बच्चे क्योंकि टेंशन में चल रहे हैं, थोड़े पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए इस टाइम, अगर ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं और क्योंकि इतने दिनों से तो उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिया नहीं, ऑफलाइन एग्जाम अगर देने जाते हैं तो अगर उसमें भी मार्क्स उनका कम आता है तो भी तो उनको जॉब में प्रॉब्लम होगा ही। तो चलो करके एक एक बातें बताते हैं जो बच्चों की मांगे हैं, जो बच्चों ने प्रॉब्लम फेस कर रहे, जो परेशानियां हैं, बच्चे मांग क्यों कर रहे हैं। रीजन ये है, बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर हमारा जो विंटर सेमेस्टर था, विंटर एग्जाम था, पेपर था, वो हमारा 3 मंथ डिले स्टार्ट हुआ था, मतलब 3 मंथ देरी से स्टार्ट हुआ था। और 3 मंथ देरी से स्टार्ट होने के कारण जो हमारा सेमेस्टर था उसमें भी हमारा पोर्शन पूरी तरह से सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, जो समर सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद इसी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो समर सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो भी ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट किया गया था, पढ़ाना उसी तरह स्टार्ट किया गया था। इसके बाद और बहुत सारे घर में आप सभी को बताया क्योंकि जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाता तब तक मैच्योर हो चुका रहता है, तो अगर वो घर में बैठ के बस ऑनलाइन पढ़ रहा है 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा है तो उसे घर के प्रॉब्लम कंटिन्यू दिखाई देते रहते हैं और उसे लगता है यार अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो हम थोड़ा घर को सपोर्ट करने के लिए जॉब या कुछ ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने जॉब इंटर्नशिप ये ज्वाइन करके रखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने अपने कॉलेज से बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं क्योंकि आप सभी को पता है ग्रेजुएशन में अच्छे अच्छे कॉलेज सर्च करने पड़ते हैं और वो कॉलेज बहुत सारे बच्चे बहुत गांव में रहते हैं और बहुत सारे जगह दूर रहता है। और अगर अभी बच्चों को एग्जाम देने जाना है फिर से अभी अचानक में लास्ट सेमेस्टर में समर सेमेस्टर में अभी अगर एग्जाम देने जाना है तो बच्चों को वहां जाके रूम लेना पड़ेगा और बहुत जगह ये रूल है कि 11 मंथ का एग्रीमेंट करना पड़ता है, इसके बाद ही बच्चे वहां ले सकते हैं। तो बच्चों को वहां जाके एग्जाम देने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, या तो वहां चार्ज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रूम के लिए रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और बच्चे इसके कारण भी फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन लिया जा रहा है, कुछ बच्चों को ऑफलाइन लिया जा रहा है, कई यूनिवर्सिटीज ये कर रही है, कई यूनिवर्सिटीज ये कर रही है, क्योंकि रूल सभी के लिए एक ही होना चाहिए अगर जो चीजें कर रहे हैं, बट कुछ ऑनलाइन हो रहा है कुछ ऑफलाइन हो रहा है। इसके बाद और बच्चों ने जो मुझे बताया ये बताया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एडमिशन जो प्रोसेस था वो लेट स्टार्ट हुआ था। और सही बोलूं कि किस तरह से ऑफलाइन एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी है, मतलब पूरी तरह से तैयारी किस तरह से करें, बच्चे वो चीज अभी तक समझ ही नहीं पाए कि फर्स्ट और सेकेंड जो ईयर का जो एडमिशन था वो ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुआ था, ये चीजें बच्चों ने मुझे बताया। इसके बाद जो मैंने बताया कि 11 मंथ का एग्रीमेंट करना पड़ता है, बहुत जगह का रूल ये रहता है, देन इसके बाद बहुत जगह रूल तो यही है कि 11 मंथ का एग्रीमेंट आपको करना ही पड़ता है, पर कुछ लोग दिलदार होते हैं वो कर देते हैं, पर ज्यादातर लोग दिलदार तो नहीं होते ना। इसके बाद बच्चों ने ये बताया कि राइटिंग स्पीड हमारी कम हो गई क्योंकि हमने इतने दिनों से ऑफलाइन एग्जाम दिया नहीं, तो राइटिंग स्पीड कम हो गई। इसके लिए मैंने जिस तरह से सुना है सभी चीजों में कि उन्होंने 15 मिनट्स 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 30 मिनट्स इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम दिया है, फिर भी अगर देखा जाए स्पीड एक बार कम हुई तो उन चीजों में मुझे लगता है कवर करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये तो बच्चे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएंगे। इसके बाद अगर इस तरह से ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, अगर रिजल्ट लेट आता है तो जिनका कैंपस सिलेक्शन हुआ है, या तो कोई बच्चे बाहर जाके फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, आगे कंप्लीट करना चाहते हैं, वो सभी चीजों में डिले हो जाएगा और बच्चों को हो सकता है वहां एडमिशन, या तो जिनका कैंपस सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर रिजल्ट लेट आता है,
तो वैसे तो बोला जा रहा है, जिस तरह से मैं अपडेट देख रहा हूँ, चीजों को देख रहा हूँ, कि रिजल्ट हम सही टाइम पे देंगे ऑफलाइन एग्जाम होने के बाद, बट अगर रिजल्ट डेट आता है तो बच्चों को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि जो उनका सिलेक्शन हुआ है या फॉरेन में जाके इनको पढ़ना आगे की स्टडी करनी है। तो गाइस ये सभी प्रॉब्लम बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया, अगर इसमें से कुछ भी चीजें छूट जाती है तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो, और ये वीडियो को जरूर शेयर करो कि लोगों को पता चले कि बच्चे मांग क्यों कर रहे हैं, मेन रीजन क्या है। जैसे मुझे पता चला वैसे सबको पता चलना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।